हेलो गाइस, मैं बिग बॉस 16 से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में दिखाया जा रहा है कि जो प्रियंका चौधरी हमेशा सौंदर्य पर इल्जाम लगाती थी, लेकिन सौंदर्य हमेशा ही उनके खिलाफ रहती थी, लेकिन आज वो बात सौंदर्य खुद मानती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी की जो बात थी वो इस बार सच होती हुई नजर आ रही है, और वीकेंड के बाद पर सौंदर्य खुद ही उस बात का खुलासा करते हुए नजर आ रही है। बात यह है कि प्रियंका चौधरी हमेशा उन पर जे आरोप लगाती थी कि जे हमेशा अर्चना के पीछे पीछे रहती है, कभी भी जे गलत सही नहीं देखती है, हमेशा जो अर्चना करती है उसको ही ठीक ठहराती है। और ऐसे में सौंदर्य उनको भी अब कहीं ना कहीं अर्चना पर डाउट होने लगा है, और उनकी दोस्ती में अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़ाई होती नजर आ रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। और जो सौंदर्य है वो कहती है कि अर्चना ने मुझे जब लास्ट टाइम MC स्टैंड के साथ फाइट हुई थी तो इसने मुझे सिर्फ 2 वर्ड बताए कि मैंने बस ऐसा ऐसा कहा है, लेकिन अर्चना वहाँ पर बहुत गलत बोली थी, जिस बात का मुझे बाद में खुलासा हुआ, और मैं इसका सपोर्ट कर रही थी, मैं इसके पीछे पीछे सभी घरवालों के साथ लड़ रही थी, जिस वजह से वो कहती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरी दोस्ती का फायदा उठाया गया है। जिस बात को सुनकर प्रियंका चौधरी उन्हें राइट कह रही है कि हाँ जे तो सही सोच रही है, और अर्चना काफी ज्यादा शॉक्ड होती है नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि जो सौंदर्य को प्रियंका चौधरी समझाना चाहती थी लेकिन सौंदर्य हमेशा उनको गलत वे में ले जाती थी, क्या अब कहीं ना कहीं उनको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और प्रियंका चौधरी की बात को सुनना चाहिए? तो प्लीज आप अपनी राय हमसे शेयर जरूर कीजिए, और उनसे जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।